बताओ, सुबह से शाम हो गया और अब तक कोई कारनी का नजर नहीं आया। न जाने किसका मुंह देख के उठे हैं जो आज कारनी का एगो को भोग नहीं लगा पाए। किसका मुंह देख लिए हम, अच्छा नहीं लगता है। अब बाबा गिरी भी खुश रहो बच्चा, आनंद रहो, आओ आओ बैठो। बोलो बच्चा, कहाँ से आए हो? बाबा वो सब छोड़िए, हम बहुत कष्ट में है बाबा। कष्ट में हो? हाँ। क्या हुआ बच्चा, क्या परेशानी है? कैसे बताए बाबा। अरे क्या हुआ, घबराओ मत बच्चा, घबराओ मत। तुम धीरे से प्रेम से पहले बैठो, बैठो ठीक से बैठो। बोलो बोलो क्या कष्ट है बच्चा? बाबा हाँ, मेरा पति ये वीडियो बनाने का काम करता है, शूटिंग का। तुम्हारा पति वीडियो बनाने शूटिंग का काम करता है? हाँ। हाँ तो? तो बाबा शादी का एक साल हो गया है। हाँ। और वो 4 महीना से मेरे साथ नहीं रह रहा है। 4 महीना से तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है? हाँ। क्यों? बाबा बात यह है कि शादी के ना कुछ महीने के बाद वो मेरे से बात बात करना छोड़ दिए थे, तो एक दिन ना दारू पी के मेरे मायके आ गए। अच्छा। हाँ। और वो दारू पिए हुए थे, पापा को अच्छा नहीं लगा, पापा उसे बहुत मारे। अच्छा। और उस दिन से वो मेरे साथ बातें करना बंद कर दिया। ओ, यानी कि तुम्हारा पति को तुम्हारा पापा मारा है, इसीलिए तुम्हारा पति तुमसे बात नहीं करता है ना? हाँ बाबा, मार के हड्डी वड्डी क्रैक कर दिए थे। अरे तुम्हारा पति को मार के हड्डी क्रैक कर दिया? दोनों पैर का। दोनों पैर का? अरे तो पगली, कैसे वो तुम्हारा पति तुमसे बात करेगा है? अगर तुम्हारा पापा तुम्हारा पति को ये हाल करेगा तो कैसे तुमको चाहेगा? तुम क्यों नहीं चले जाते हो अपने पति के पास है, जो तुम अपने मायके में रहते हो? वो मेरे पापा नहीं जाने दे रहे हैं ना। पर क्यों बच्चा, इसमें तो तुम्हारा पापा के सब दोष देख रहे हैं है? बताओ, तुम्हारा पति अगर मानते हैं 2-4 नशा करता है तो इसके मतलब उसको टांग हाथ तोड़ देगा, हड्डी तोड़ देगा है? क्या करे, मेरे पापा को पसंद नहीं है कि मेरे पति ये शूटिंग का काम करे, मतलब और वीडियो वगैरह बनाए। उनको मारा था और उनके 4 महीने के बाद हो गया है, मेरे से बात नहीं कर रहे ना, मेरा फोन उठाते हैं वो। अच्छा बाबा कुछ करिए बाबा, वरना मैं नहीं जी पाऊंगी उनके बिना। अरे बच्चा तो इसमें बाबा क्या कर सकता है? बाबा आप कुछ ऐसा करिए ना जो मेरे पापा राजी हो जाए और मुझे उनके पास भेज दे। ओ, ये बात है बच्चा, तुम बाबा से क्या चाहते हो? बाबा हम आपका जगह जगह पे नाम सुने हुए हैं, मेरे आस पड़ोस की बहुत सारी औरत बोली है कि वो बाबा के पास गए थे तो मेरा बहुत कल्याण हुआ, इसीलिए बाबा मैं भी आपके पास आई हूँ। हाँ बच्चा, जरूर जरूर, हम सबका कल्याण कर देते हैं। बाबा आप मुझे भी जरी दीजिए ना, जो मैं अपने पापा को खिला के पापा को राजी करूँ और अपने पति के पास चली जाऊँ, वरना वो मुझे नहीं जाने देंगे। अच्छा ये बात है। हाँ ठीक है बच्चा, जरी तो हम तुमको दे देंगे, पर इसमें तुम बाबा के लिए क्या कर सकते हो? बाबा मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती हूँ, क्योंकि कुछ लाई नहीं हूँ अपने साथ का। अरे बच्चा तुम ही बताओ, खाली छुछे 5 उंगली मुंह में जाता है नहीं ना जाता है? नहीं, पर बाबा हम आपको क्या दे सकते हैं, मेरे पास तो कुछ अभी है नहीं जो हम आपको दे दे। देखो बच्चा, आजकल तो कोई फ्री में चाह तो पीले भी नहीं करता है, अब तुमको हम एक जरी देंगे, और भी ऐसा जरी तुम चाहते हो जो पापा को मती तुम घुराना चाहते हो? मती नहीं घुराना चाहते, पापा को राजी करना चाहते। राजी कराना मतलब हाँ। मती घुराना, तुम मती घुमाओगे तभी तुम्हारा बात सुनेगा तुम्हारा पापा है ना? देखो बच्चा, वो जरी कोई छोटा मोटा जरी नहीं है, वो जरी में कम से कम 70 से 75 हजार रुपया खर्चा है बच्चा। बाबा मैं उतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? मुझे पता है बच्चा, मुझे पता है तुम नहीं दे पाओगे। कोई दूसरा इलाज नहीं है? देखो बच्चा, दूसरा इलाज है पर उसका तरीका कुछ अलग है, शायद तुमको अच्छा ना लगे। बाबा तरीका तो बताइए, पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कर सकते हो ना? कुछ भी, कुछ भी करने के लिए तैयार हो? हाँ। तो बाबा की एक बार भूख लगवा दो। भूख लगवा दो? बाबा मैं खाना लेके नहीं आई हूँ, भूख कैसे लगाऊंगी? अरे बच्चा वो बात नहीं है, तो? भोग उसको नहीं कहता है। तो जो पति पत्नी में रिलेशन होता है ना, उसी को बाबा भोग कहता है। तुम एक बार बाबा के साथ भोग लगवा लो,
उसको बात हम तुमको जरी दे देंगे। अच्छा जरी दे देंगे, देख लेना दो दिन के अंदर तुम्हारा पति दौड़े दौड़े आ जाएगा तुम्हारे पास। और तुम्हारा पापा इतना तुम्हारा पति का इज्जत करेगा, इतना इज्जत करेगा जो जिंदगी में वो कभी अपने आप को इतना इज्जत नहीं किया होगा। बाबा ये एक ही इलाज बचा हुआ है। हाँ बच्चा देखो बाबा का यही लास्ट एक तरीका है, अगर तुमको हम जरी दे देंगे तो खाली जरी लेने से काम नहीं होगा, तुमको इसके लिए बाबा को भी खुश करना पड़ेगा बच्चा, तभी ना हम भी तन से तुमको खुशी से देंगे। ठीक है बाबा हम करते हैं। तैयार हो? ठीक है बच्चा यहाँ पर तुम लेट जाओ। बच्चा खुशी से तैयार हो ना? हाँ बाबा। ठीक है जा बच्चा। क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं बाबा। बहुत दिन के बाद हुआ इसलिए थोड़ा मन हिचकिचा गया था। खुश हो ना? हाँ हाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बच्चा तुमको हम चरी दे रहे हैं। ठीक है बाबा। बच्चा ये जो तुमको हम जरी दे रहे हैं इस जरी को ले जाकर शनिवार के दिन लाल काला में दोनों धागा मिलाकर अपना पापा को कमर में बांध देना है। ठीक है, उसके बाद देख लेना सुबह होते ही तुम जो बोलोगे पापा सो करने के लिए तैयार हो जाएगा। हाथ छोड़िए। ठीक है ठीक है बाबा चलते हैं। ठीक है बहुत हरभरी में हुआ। अरे जाओ जाओ बताओ इतना हरभरी में है, इतना हरभरी में है जो लग रही एक मिनट में ही रुका, पागल की तरह उड़ बैठा है।